हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का गाइडली सेशनल मॉक टेस्ट लगाया, रीजनिंग वाला। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन किए, कितने क्या मेरा स्कोर रहा। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पजल थी वो 2 नंबर वाली थी, स्टार्टिंग के क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है, 15-20 तक है, शायद 15 तक है। तो 15 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर वाले हैं, उनमें से मैंने 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो 2 पजल थी, उनमें से फर्स्ट वाली ये है सर्कल वाली। ठीक है, जिसमें 2 सर्कल थे, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, जो कि सॉल्यूशन में आपको शो भी हो रहा होगा। ये मैंने नहीं की वैसे तो, बट कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से बाकी क्वेश्चन मैंने कर लिए। लेकिन तो 5 क्वेश्चन ये थे, 10 नंबर के थे, ये मैंने नहीं किए। 6 क्वेश्चन जो था वो डाटा सफिशियंसी का था, ये इजी था। ठीक है, तो ये कर दिया था 1 क्वेश्चन, तो टोटल 2 क्वेश्चन थे ये। तो दूसरा वाला एक ये था जो कि रो में बैठे हैं 6 पर्सन, तो आइदर 1 और 2 दोनों से ही निकल रहा था, क्योंकि तो एक ये हो गया था। फिर 2 नंबर में ही जो है ब्लड रिलेशन भी दी हुई थी, तो ब्लड रिलेशन थोड़ी सी अच्छी थी, वही है, ऐसी नहीं थी बट बन जा रही थी। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो नहीं बन रही थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बन जा रही थी, बन गई थी मेरी। कितनी देर में बन गई थी? 4 मिनट में बन गई थी, 5 मिनट लगा लेते हैं इसको, 5 मिनट में बन गई थी। फिर क्वेश्चन मार्क कर दिए थे जल्दी जल्दी से, तो 3 क्वेश्चन ये थे, यानी कि 6 नंबर के मेरे यहाँ से कवर हो गए थे। फिर लास्ट जो एक पजल बचती है 2-2 नंबर वाली, तो ये मैंने मार्क की थी करने के लिए, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला लास्ट तक, तो फिर ये मैंने स्किप ही कर दी थी स्टार्टिंग में, तो फिर टाइम नहीं मिला तो ये रह गई थी। तो 5 क्वेश्चन ये थे इसके। तो इस तरीके से ये टोटल 15 जो क्वेश्चन थे ये 2-2 नंबर के थे। फिर 16th क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारे। अब यहाँ से 1-1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर ये थी एक और पजल, जिसमें कि गिवन था 7 पर्सन गिवन थे, उनके नेम गिवन थे, और उन्होंने कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय किए थे, इन्होंने प्राइस जो है वो गिवन था, और कुछ समय के बाद उन्होंने यूज करके उसको सेल कर दिया, तो उसका प्राइस गिवन था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लॉजिकल था। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं 2 नंबर में डालनी चाहिए थी वैसे ये पजल, बट कोई नहीं, ठीक है, जैसा भी है। तो ये मैंने इसीलिए स्किप कर दी, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज में भी ज़्यादा बनती, तो अभी मैं एनालिसिस करूँगा, अभी बना के देखूंगा, तब पता चलेगा कैसी थी कैसी नहीं थी। बाकी अब फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 5 क्वेश्चन इसके थे, ये मैंने स्किप कर दिया था, नहीं किया, और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा कि करेक्ट 1.14, एक दो बच्चों ने, काफ़ी कम बच्चों ने मतलब इसको अटेम्प्ट किया है। ठीक है, फिर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ से ये वाली पजल मैंने की थी, अब ये 49% बच्चों ने जो है इसको टिक किया है। ठीक है, मतलब किया है सही। तो ये पजल जो थी इसमें मंथ गिवन था हमारे पास जनवरी से सेप्टेम्बर तक। ठीक है, और 8 पर्सन थे ये, और जो कि टीचर्स उनके जो है स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट है वो दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें एक वैकेंट सीट भी थी, तो ये थोड़ा सा ठीक था, बाकी बन गया था, ऐसा नहीं था। ये रही ये पजल, मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है, सॉरी मैं स्टार्टिंग वाला दिखा नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया मैंने, बस ऐसे ही करवाता गया, तो स्टार्टिंग के वो क्वेश्चन मैंने दिखाए नहीं, 5 क्वेश्चन। तो कोई नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट जो पजल है ये थी, तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती, ये तो मेरी स्टार्टिंग में कैंसिल आउट हो गई थी, फिर ये भी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, दूसरी वाली भी, फिर एक ही बनी थी। ठीक है, वो सही हो गई थी, तो एक ये हो गया था। यहाँ से 5 क्वेश्चन थे मे बी इसके, हाँ 5 क्वेश्चन ही हो गए। फिर एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भाई, एक तो इसी पजल का एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, 26 वाला सीरीज वाला, इसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए, पता नहीं, ये सीरीज बनाई थी भाई मैंने, अब इसमें गलती कहाँ हुई है वो भी चेक कर लेते। सीरीज 1 1, तो सही लग रही है, फिर सेकेंड EOKJ UKJ XTI, अगला देखते हैं EJ, ये गलती हो गई इधर, थर्ड वाले स्टेप से मैंने गलती कर दी, फोर्थ भी गलत हो गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ स्टेप का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो गलत होना ही था, तो यहाँ पे फोर्थ ये मेरा ठीक हो गया, लेकिन ये पता नहीं है, मे बी वो चेंजमेंट सही होगा जहाँ पे है, बाकी बदल गए होंगे जो भी था। एक ये ठीक हो गया, ये पता नहीं भाई, तुक्का लग गया कसम से, बाकी
वरना तो ये भी गलत होते, क्योंकि थर्ड स्टेप से आगे तो गलत ही है मेरा ये। देखूंगा बाद में अच्छे से उसको क्या मैंने गलतियां कर दी इसमें, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो, आपके सामने है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन भी गलत हो, क्योंकि इसमें भी स्टेप नंबर 4 की बात कर रहा है ये, तो एक यहाँ से ये गलत हो गया मेरा। तो यहाँ पर फिर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, ये भी दिखा निकाल ही लेता हूँ मैं कहाँ में। ठीक है, तो ये रहा भाई, ये मैंने जो, नहीं ये नहीं है भाई, ये तो नहीं है, वो पेज कहाँ गया भाई। हाँ जी ये रहा, तो यहाँ पर है ऊपर वाला, ये पुराना है जो पहले मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था उसका। तो यहाँ से देखना है, यहाँ से नीचे, तो स्टार्टिंग में ये तो ब्लड रिलेशन का है, थोड़े से ये पॉसिबिलिटी ले लेके हो गया था ये। और यहाँ पे ये जो दो दो नंबर वाले हमारे डाटा सफिशियंसी के दो क्वेश्चन थे वो ये रहे। बाकी फिर ये कहाँ पर है, ओके तो ये इधर ही है भाई, इसी पेज पर है ये, यहाँ पे मैंने सोल्व किए थे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी इधर हो गई, बाकी इसको साइड में रखते हैं अभी। तो यहाँ से इनइक्वालिटी होने के बाद फिर ये दो क्वेश्चन थे, दो में से मेरा एक तो गलती हो गया और एक सही हुआ है। फिर एक और पजल थी, तो ये भी मैंने की थी, 8% वाली थी, जो कि रो में बैठे थे, ये भी ये रही, ये ऊपर है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज ली थी, लेकिन फिर मैं एक लाइन मिस कर गया था, जो कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाली थी, जो कि साथ में नहीं बैठेंगे। तो मैं यार स्टार्टिंग से देख रहा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो गड़बड़ हो गया मामला, और ये बनेगी कैसे। फिर ध्यान किया कि भाई इसमें कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाला एक स्टेटमेंट थी, तो वो मैंने जब ध्यान दी ना, तो सारी एलिमिनेट हो गई एक एक करके। ठीक है, फिर दो ही पॉसिबिलिटीज बची थी, एक तो थी मे बी ये थी, या फिर ए बी सी, नहीं ये वाली नहीं थी, एक ये वाली फर्स्ट वाली थी और एक ये वाली थी। तो दो ये पॉसिबिलिटी बची थी, बाकी सारी जो है कैंसिल आउट हो गई थी। ठीक है, और फिर जब बाकी के जो थोड़ा बहुत जो लाइन बची थी वो मैंने फिक्स की, तो ये फर्स्ट वाली उसमें एलिमिनेट हो गई और सेकेंड वाला ये मेरा बन गया था। ठीक, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन थे शायद से, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, फिर ये मैंने स्किप किए थे भाई। फिर लास्ट बारी आती है हमारी इनपुट आउटपुट वाले की। इनपुट आउटपुट सच में बहुत बेहतरीन लेवल था यार, कसम से, ये मैं आपको सॉल्व भी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो सॉल्व कर लेना साथ साथ में, बाकी मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आप इस वीडियो को चेक करना। ठीक है, ये तो वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, गलती कर दी, बट कोई बात नहीं, जो समझदार होंगे वो अटेम्प्ट करने के बाद ही चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इनपुट है, तो एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, इसी से करते हैं, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, फर्स्ट वाला इनपुट हमारे पास गिवन है। तो इससे मैंने किया क्या था, एक सेकंड दोबारा से मैं देख लेता हूँ, 7 चौक 28, 28 यहाँ से और 8 4 2 8। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट वाले दोनों के एलिमेंट जो नंबर उठा लेना, यानी कि 7 और 4, 7 चौक 28 हो गया, माइनस करेंगे दूसरे वाला का प्रोडक्ट, 4 2 8, तो 20 आ गया, तो 20 ऐसे लिख दिया, तो ऐसे ही बाकी सब में आ जाएगा एक एक करके। फिर जो है सेकंड मेरा कैसे आया था वो भी एक सेकंड में, हाँ तो दोनों का फर्स्ट वाला ऐड करना है, फिर दोनों का सेकंड वाला ऐड करना है। इसमें भी दोनों का फर्स्ट वाला 1 और 0 1 हो गया, और लास्ट एक सेकंड, दोनों के सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। ठीक है, तो 9 माइनस 3 6 हो गया, यहाँ से 0 और 5 5 हो गया, 8 और 3 में का डिफरेंस जाएगा 5 का। ठीक है, फर्स्ट वाले का ऐड करना है और सेकंड वालों का सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ से फिर स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 कैसे किया था भाई मैंने, 3 यहाँ पर और फिर ये भूल गया यार मैं, तो अभी तो किया था यार मैंने, 9 6 54, नहीं इधर ही कहीं लॉजिक होगा शायद से, मैंने अभी नोट डाउन तो किए थे सारे बाकी, बट सम से स्किप कर गया यार ये तो माइंड से, 3 और 1, नहीं यार क्या बनाया था मैंने इसका, नौ और तीन, अच्छा प्रोडक्ट था, अब ध्यान आया इसमें, तो यहाँ से 9 और 1 ये इसका प्रोडक्ट, यानी कि 9 और 1 9 आ गया, फिर यहाँ से
क्या किया था मैंने, हाँ 6 और फिर इन दोनों का, तो दोनों अगल बगल वाले 6 5 30, 9 5 45, तो ये आ गया। ठीक है, अब फोर्थ वाले में, फोर्थ जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि इसमें सेकंड जो डिजिट होती है ना, बोथ नंबर, ठीक है ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको इधर, ये रहा सम ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों का ही सम करना है। 9 और 0 का 9 हो गया, 0 और 5 का 5 हो गया, और लास्ट वाला कैसे निकलेगा, 9 का स्क्वेयर 2 का 5 का स्क्वेयर माइनस कर देंगे, 9 का स्क्वेयर 81 माइनस 25 60, और ये 5 56। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे। अभी बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्या बना है। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन से हटा देते हैं एक बार। तो ये था भाई स्कोर, जो ये नहीं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जो स्कोर मेरा बना है वो 25 था, अटेम्प्ट मैंने किए थे 25, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत हो गए ना, वरना तो स्कोर मेरा सारे ठीक होते तो 30 स्कोर बन जाता मेरा, अच्छा खासा स्कोर बन जाता। तो परसेंटाइल जो आई है 85% आई है। बाकी आप लोग बताना इसको अटेम्प्ट करके, क्योंकि मे बी आज या कल में ही जो है अपलोड किया गया है गाइडली वालों ने, ठीक है, इससे पहले तो था ही नहीं। बाकी फिर आप इसको अटेम्प्ट कर लेना। एंड 5717 अभी तक लगा चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कर लेना और बताना आपका क्या स्कोर रहा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।